गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये हमारी ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी की तीसरी क्लास है। हालांकि है तो वर्ग तीन के लिए, लेकिन ये जो आप चाहो तो कर सकते हैं, दूसरे जो एग्ज़ाम के बच्चे भी हैं जैसे कॉन्स्टेबल वाले भी, क्योंकि पर्यावरण के प्रश्न तो आजकल हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जा रहे हैं। तो जल्दी से आप प्लीज़ लिंक को शेयर कर दें अगर हो सके तो। और निधि त्रिपाठी, जय श्री कृष्ण मैम, रवि गौतम जी हेलो, हाय, साक्षी जी हेलो, ऑल सब्जेक्ट का जो है वो आपका एप्लीकेशन पे लग रहा है। और वैसे तो आपको पता है गौतम सर जो है मैथ्स पढ़ाते हैं और मैं जागृति भारती जो आपको पढ़ाती हूँ ईवीएस, और आपका जो बाल विकास है वो सर पढ़ाते, प्रदीप सर लेते हैं क्लास। राम राम, चलो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता है? भौम जल स्तर मतलब होता है भूमिगत जल स्तर होता है। क्या होता है? भूमिगत जल स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर जो लेवल होता है उसको कम नहीं करता है। बताएं कौन नहीं कम करता है? लाइव क्लास रहती है क्या? बिल्कुल लाइव क्लास रहती है एप्लीकेशन पर, उनका टाइम टेबल रहेगा आपका 4 से 5 रहेगा गौतम सर का रहेगा और 5 से 6 मेरा रहेगा, ये जो टाइम है आपका। ठीक है, मैं एप्लीकेशन पे लूँगी इस टाइम पे और ये देखते इसके बाद इसका क्या करते हैं। और जो आपका 6 से 7 है वो प्रदीप सर लेंगे। ठीक है, छोटी लहर मैम, महिला पर्यवेक्षक क्लास ऐप पर दिलवा दीजिए, बहुत टाइम से नहीं दिलवाया। आपकी एप्लीकेशन बेटा क्लास लग रही है, आपने परचेज किया है क्या कोर्स बता दीजिए। रोज लगती है, डेली लेती हूँ मैं क्लास, 2 से 3 मेरी रहती, 3 से 4 जो है हम सर लेते हैं रीजने की, 4 से 5 आपका जो गौतम सर क्लास रहती है या फिर कंप्यूटर की लगती है। इसका आंसर सी, सी दे रहे हैं आप। निम्नलिखित में से कौन भौम स्तर मतलब जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है भूमिगत जल का जो स्तर होता है उसको कम नहीं करता है? अपर्याप्त वर्षा कम करती है, बिल्कुल करती है। बढ़ती बर्फबारी करती है क्या? नलकूपों की बढ़ती संख्या, बिल्कुल, जो नलकूप हैंड पंप जो हम ज़्यादा लगाएंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गिरता जाएगा। और बढ़ता वनोन्मूलन, अगर हम क्या करेंगे वनों की ज़्यादा कटाई करेंगे तो भी क्या होगा, भूमिगत जल का स्तर कम हो जाएगा। तो बढ़ती हुई बर्फबारी जो होती है इसका आंसर बी रहेगा। क्या रहेगा? आंसर बी रहेगा, जो बर्फबारी के बढ़ने के कारण भूमिगत जल स्तर कम नहीं होता, बाकी सभी इसके कारण हैं। कैसे परचेज कर पाएंगे, क्या करना परचेज करने के लिए आपको? आपको हमारा जो तांडव क्लासेस का अपना जो ऑफिशियल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, तांडव क्लासेस लिखें आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और बस उसके बाद आपको आएगा कि कौन सा कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं। आप वर्ग 3 का खरीदना चाहते हैं, महिला पर्यवेक्षक का, जिसका भी आप खरीदना चाहते हैं उसमें आप क्लिक कर दें। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCW यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा होती है, क्या होती है? निधि आप 45 दे रही हैं, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो इसका, ढंग से पढ़ो। देखो पहली बात तो आप जाइए, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? किसी भी वस्तु के गिरने पर जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि की अधिक तीव्रता को शोर या ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की जो इकाई होती है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई कौन सी होती है? डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई कौन सी होती है? डेसिबल। डेसिबल में मापते हैं हम ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं।
अब ध्वनि का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ध्वनि का अध्ययन एकाउस्टिक्स कहलाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेसिबल। और डेसिबल जो नाम दिया गया वो क्यों दिया गया है? तो ग्राहम बेल के सम्मान में ये नाम दिया गया है, डेसिबल इकाई। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रिहायशी क्षेत्रों में 55 डेसिबल, क्योंकि कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? तो 55 डेसिबल कितना है? 55 डेसिबल होती है। आपको पता होना चाहिए जब पत्ते जो सरसराहट होती है, पत्तों की सरसराहट, उसमें कितनी आवाज़ निकलती है? तो पत्तों के सरसराहट से कितनी आवाज़ निकलती है? 20 डेसिबल। और जब हम लोग क्या करते हैं? फुसफुसाहट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? फुसफुसाहट करते हैं, तो इससे कितनी आवाज़ उत्पन्न होती है? 30 डेसिबल उत्पन्न होती है। और जो ऑफिस वगैरह होते हैं, शांत कार्यालय होते हैं, ऑफिस और जो शांत कार्यालय होते हैं, उनसे वहाँ पर कितना साउंड प्रोड्यूस होता है? तो वहाँ पर बच्चों होता है आपका, याद रखिएगा, 40 डेसिबल। कितना होता है? 40 डेसिबल। और जो अपन सामान्य बातचीत करते हैं, नॉर्मल जब बातचीत अपन लोग करते हैं, तो उससे कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 60 डेसिबल। कितना होता है? 60 डेसिबल होता है। और जब ट्रक वगैरह होते हैं, तो ट्रक की जब आवाज़ आती है, आपको पता होगा, तो ये होता है आपका 80 डेसिबल। कितना होता है? 80 डेसिबल होता है। वो कह रहा है, क्वेश्चन को समझो, वो कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? ऊपरी सीमा क्या है? निम्नलिखित में से विषम को चयनित करिए, बताइए इनमें से कौन सा है जो अलग है। निधि, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। मैम, मैंने वर्ग 2 का कोर्स लिया है, बट मैं क्वालिफाई नहीं हूँ वर्ग 2 में, तो ये वर्ग 3 में हो जाएगा क्या मैम? कोर्स आपका, आप ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं, कोर्स नहीं कन्वर्ट हो सकता, आपको वो अलग ही परचेज करना पड़ेगा। जी सी, देखो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, तो इसमें कौन सा अलग है आपका? प्राकृतिक गैस। मुझे लगता है आप लोगों ने ईवीएस पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है। सुनिएगा, ऊर्जा के जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है आपका? नवीकरणीय होता है। कौन सा होता है? नवीकरणीय। समझिएगा, नवीकरणीय क्या होते हैं, और दूसरा होता है आपका अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय। अनवीकरणीय या इसी को बोलते हैं गैर, या इसी को परंपरागत कहते हैं, परंपरा गत ऊर्जा का सोर्स कहते हैं, इसी को नवीकरणीय को हम कहते हैं गैर परंपरागत। क्या कहते हैं? गैर परंपरागत कहा जाता है। इसको समझते देखो, क्या होता है नवीकरणीय? नवीकरणीय मतलब होता है ऊर्जा के ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम लगातार उपयोग करते रहते हैं, लेकिन उनके समाप्त होने की संभावना नहीं होती है, इनका पुनर्चक्रण होता रहता है, वो कहलाते हैं आपके नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स कहलाते हैं। अब बताओ, सौर ऊर्जा, क्या मुझे बताइए, सौर ऊर्जा खत्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। पवन ऊर्जा खत्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। ज्वारी ऊर्जा, आप जानते हैं, आपके समुद्र में आते हैं ज्वार भाटा आते हैं, तो वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन प्राकृतिक गैस जो होती है, नेचुरल गैस जो होती है, ये एक सीमित मात्रा में हमारी प्रकृति, हमारी धरती से हमको प्राप्त हो रही है, और एक लिमिट के बाद ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये किस में चला जाएगा बेटा आपका? ये चला जाएगा आपका प्राकृतिक गैस, चला जाएगा आपका अनवीकरणीय स्रोत में, क्योंकि ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, डीजल, कैरोसिन, ये सब कौन से होते हैं आपके? अनवीकरणीय, या इन्हीं को हम कहते हैं परंपरागत। इतनी बात समझ में आ गई आपको? नवीकरणीय और अनवीकरणीय, या इसी को परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। अगर आप ये समझ गए तो आपको आंसर सही लगाना चाहिए था। प्राकृतिक गैस कैसी ही अलग है, क्योंकि ये परंपरागत सोर्स का एग्जाम्पल है, और बाकी सब किसके हैं? गैर परंपरागत, नवीकरणीय, इनको हम दोबारा, इनका चक्रण होता रहता है। क्या मैं समझा पाई हूँ आप सभी लोगों को? आप क्लियर हैं तो प्लीज बता दें, वरना एक बार और समझा दूं मैं।
आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, एक आध दिन मैं आपके लिए इसका थ्योरी का चैप्टर लेके आती हूँ। मे बी जब अपनी अगली क्लास रहेगी तो मैं कोशिश करती हूँ आपको मैं थ्योरी पढ़ा दूँ प्राकृतिक संसाधन के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। चलें आगे बताएं, इनमें से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है, बताइए, मतलब शुद्ध करने में सहायक नहीं होता है। समझ गए साक्षी जी, गुड, वेरी गुड, अब गलती नहीं होनी चाहिए। जी निधि, मैं आपको इसका चैप्टर भी पढ़ा दूंगी, यूट्यूब पे भी पढ़ा दूंगी, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मेघा बी, देखो निम्नलिखित में से कौन जल को शुद्ध नहीं करता है, तो क्लोरीन की गोलियां, बिल्कुल, पानी को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, फिटकरी का प्रयोग करते हैं और उबालते तो हम सभी लोग हैं। निस्पंदन, छानना, छानने से मान लो पानी लेके आए हम, क्या पानी से शुद्ध हो जाएगा, छानने से वो शुद्ध होगा, नहीं, छानने से शुद्ध नहीं होता, बस ऊपरी जो कचरा होगा वो हट जाएगा, तो बाकी सारी क्या होती है आपकी, पानी को असंक्रमित करने में सहायक होती है, जबकि निस्पंदन यानी कि छानने की विधि सहायक नहीं है। क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा बारिश के टाइम की क्लोरीन की गोली को डाल देना चाहिए पानी में, फिट करी उबाल लो या फिर आप, तो ए। नेक्स्ट, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए, विच इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं होती, नेचुरल डिजास्टर नहीं है। आलोक ए, फिर गलत हो गया, वही मैं कह रही हूँ आप लोग, जबकि चीजें नहीं गलत होनी चाहिए, बहुत लेवल हाई नहीं है, इजी है क्वेश्चन, सो पढ़ो आप लोग इसको, करो, इवन आप कोई भी एग्जाम दोगे आता है ईवीएस, ठीक है, इवन आप जो लोग कांस्टेबल भी दे रहे हो उनमें भी प्रश्न पूछेंगे यहाँ से। बी, भूकंप एक आपकी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात प्राकृतिक आपदा है, शॉर्ट सर्किट से लगी आग कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, वेरी गुड, ठीक है जी ठाकुर रघुवंशी जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, किस सिंचाई प्रणाली से सबसे अधिक जल संरक्षण होता है, बताएं, इनमें से कौन सी ऐसी सिंचाई प्रणाली है जिससे सबसे अधिक जल संरक्षण यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग होता है, जल संरक्षण समझते हैं आप सभी लोग, इंदौर में तो ये बहुत चल रहा है। निधि, बहुत दिन से नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग ठाकुर रघुवंशी जी, गुड इवनिंग, हेलो संध्या, इंग्लिश की जो टाइम है आपका वो अभी, सर तो छुट्टी पे हैं, सर तो चले गए हैं घर अपने एक हफ्ते के लिए, कंफ्यूज कर देते क्वेश्चन, मेघा कह रही है यस, आप अब रघुवंशी जी आपने बी करा है, सुभाष जी हेलो मैम हाउ यू, आई एम गुड, हाउ यू सुभाष जी, सी दे रहे हैं कुछ, देखो किस सिंचाई प्रणाली सबसे अधिक जल संरक्षण होता है, मतलब समझ में आ गया, जल संरक्षण पानी का आप कह सकते हो जिसमें सबसे कम पानी की बर्बादी होती है, इसमें कौन सा होता है, चड़स क्लाइंब वाले जो करते हैं इसमें तो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, ट्यूबवेल से हम जो करते हैं उसमें पानी क्या होता है, वेस्ट होता है काफी ज्यादा, क्योंकि आपने पानी ट्यूबवेल से लगा दिया और आपने छोड़ दिया उसमें, तो पानी कंटिन्यू बहता रहता है। बूंद सिंचाई सबसे बेस्ट होता है, बूंद सिंचाई आप लोगों ने देखा होगा, यस ये सही है, क्योंकि इसमें सबसे कम क्या होता है, पानी की बर्बादी होती है, जैसे मान लीजिए सपोज मान लीजिए हमारा क्या है, हमारा ये खेत है, मान लीजिए हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा खेत है, अब हमने यहाँ पे क्या करे, हमारा जो खेत है इसमें हमने क्या करा, पाइप, ऐसे पाइप क्या कर दिया यहाँ पर, बिछा दिए, ये पाइप बिछे हुए हैं, ठीक है, और ये पाइप ऐसे बिछे हुए रहते हैं, आपने देखे होंगे अगर अगर कभी, तो इसमें पाइप इस टाइप से बिछे रहते हैं और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बूंद बूंद पानी निकलता रहता है, क्या निकलता रहता है, इसे बूंद बूंद पानी निकलता रहता है, तो सबसे सटीक जो सबसे सही विधि होती वो होती है यस सी होती है, ठीक है, क्या होती है, सी होती, जबकि फब्बारों में भी काफी हद तक पानी का वेस्ट होता रहता है, फब्बारे आपने देखोगे ऐसे खेतों में लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, वो जो फब्बारा रहता है ऐसे पानी पूरा ऐसे से घूमता रहता है, ऐसे से क्या होता है ये घूमता रहता है, तो ऐसे ये वेस्ट होता रहता है, बट सबसे बेस्ट बूंद सिंचाई होता है, तो ये आप लोगों ने गलत करा था। बेस्ट मैम, बहुत टाइम बाद क्लास लेने का टाइम मिला है, चलिए ले लीजिए, हम लोग ईवीएस कर रहे हैं, वायु प्रदूषण से नहीं होता है, बताइए, एयर पॉल्यूशन से क्या नहीं होता, पाचन तंत्र से संबंधित रोग नहीं होते, कैंसर नहीं होता है, या फिर श्वसन संबंधी रोग नहीं होती, या फिर इमारतों का ड्रिप
इरिगेशन बहुत बहुत अच्छी सिंचाई के लिए प्रणाली है। और इसराइल जो है, इसराइल का नाम आप जानते होंगे, कोई भी व्यक्ति ले सकता क्लास। मैंने बोला आप अगर आप कोई भी, अभी आपके कॉन्स्टेबल के भी चल रहे हैं, आप ले लीजिए, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन फंसेंगे आपके। सी आलोक जी ने किया है। देखो, वायु प्रदूषण से कैंसर के विकार होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो हम बहुत सारे, जब हम लोग क्या होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से, जैसे लेड हो गया, सीसा हो गया, ये सब हमारी बॉडी में, एस्बेस्टास हो गया, ये सब हमारी बॉडी पहुंचते हैं। एस्बेस्टास से फेफड़ों का कैंसर होता है, ठीक है, तो ये बीमारी पहुंचाता है। श्वसन संबंधी रोग तो होते ही, हम जानते हैं सांस लेने में तकलीफ होती है। इमारतों का क्षय होता है, बिल्कुल, जो इमारतें होती है वो खराब होने लगती है। पाचन तंत्र संबंधित रोग नहीं होते, वायु प्रदूषण के द्वारा पाचन तंत्र से संबंधित रोग नहीं होते, जबकि पाचन तंत्र संबंधित रोग किसके द्वारा होते, जल प्रदूषण के द्वारा होते। किसके द्वारा होते बच्चों? जल प्रदूषण। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों इतने सारे गलत कर रहे हो, कैसे, दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करें प्लीज। कैंसर आप जानते हैं कैंसर क्या होता है, तो कोशिकाओं में होने वाली, कैंसर क्या होता है अगर आपसे पूछ ले, बताओ कैंसर क्या है, तो आप कहोगे कोशिकाओं में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि। कोशिकाओं में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि, जब हमारी कोशिकाएं जो होती है किसी प्लेस पर, एकदम से इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गुच्छे जैसे बन जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कैंसर कहलाता है। कैंसर के सिम्टम्स वो होते थे, किसी प्लेस पर गांठ वगैरह बन जा रही हैं, ठीक है। और कैंसर के प्रति लोग जागरूक हो सके, इसके लिए 4 फरवरी को ये पॉइंट भी याद रख लीजिएगा। 4 फरवरी को हम मनाते विश्व कैंसर दिवस मनाते, कौन सा मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। और एक प्रश्न और आ जाता है, कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में एक दवा होती है जिसका नाम है टैक्सोल, काफी इंपॉर्टेंट है। टैक्सोल नामक दवा का इस्तेमाल किसमें करते हैं, तो टैक्सोल दवा का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में करते हैं। और ये टैक्सोल दवा यू वृक्ष से प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है, यू नामक एक वृक्ष होता है उससे प्राप्त की जाती है। कोई नहीं, अरे आदर्श गौतम जी बिल्कुल, आप चिंता ना करें, चैप्टर हम पढ़ेंगे। मैंने इसलिए लिया ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस मैंने बताया, मैं हमेशा ऐसे ही काम करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़िए, उससे आपको अनुभव होता है कि कैसे क्वेश्चन आते, और फिर आप चैप्टर उठाएं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस को अवशोषित किया जाता है, बताइए। बताएं, बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस को अवशोषित किया जाता है? ऑक्सीजन को किया जाता है, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए तो कहते हैं कि क्या करें, अपने शहर को साफ स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने के लिए क्या लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, सड़क के किनारे पेड़ लगाएं, ठीक है। क्योंकि ये पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। हम जानते हैं जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण में, चूंकि किसकी आवश्यकता होती है पौधों को, प्रकाश की जरूरत होती है, किसकी होती है, प्रकाश की। दूसरा, ये वायुमंडल से क्या प्राप्त कर लेते हैं, CO2 प्राप्त कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्लोरोफिल तो क्या होता है, इनमें मौजूद ही होता है, चूंकि हरे रंग के होते हैं, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। और पानी ये कहाँ से मिल जाता है इनको, जड़ों से क्या मिल जाता है, H2O मिल जाता है। और फिर इनकी होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, ये करते हैं C6H12O6, यानी कि आपको ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो आप जानते हैं कि पौधों के द्वारा क्या करना, भोजन का निर्माण करना, ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट, अशुद्ध जल को शोधित शोधित किया जाता है, शोधित मतलब समझते हो ना, प्यूरिफाई, किसके द्वारा प्यूरिफाई करते हैं,
हाँ ये भी बहुत, ये विधि जो है मैं आपको समझा दूंगी। अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है, तो बिल्कुल अवांछित रसायन को हटाकर करा जाता है, जैविक संदूषक को हटाकर, ठीक है, ऑर्गेनिक जो आपके कंटेमिनेटेड जो होते प्रदूषक होते हैं, गैसों को हटाकर, डी उपरोक्त सभी सभी को हटाकर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरण मुद्दे हैं, बताइए इनमें से कौन से जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि, बताएं। जी गुड इवनिंग गीता जी। हाँ डी बिल्कुल, जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि, ये सब क्या होते हैं, पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अब सही आ रहा है। अब निधि गुड, ठीक है, निधि नाम है ना आपका, क्या नाम है, निधि, हाँ निधि त्रिपाठी जी। जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है बताएं। वर्षा जल संचयन यानी कि वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे सही उपयोग क्या होता है, सिंचाई में करें, कृषि में करें, पीने के जल में पिएंगे क्या हम लोग, या भूमिगत जल वृद्धि में, इनमें सबसे अच्छा पूछ रहा है, लग तो सब रहे होंगे। गुड इवनिंग, नहीं अरे वेरी वेरी गुड इवनिंग शिवानी जी, बिल्कुल क्यों आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, आप लोग तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, सब कुछ आप ही लोग तो हैं, और आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो किसको करूंगी, बताइए। डी तो इसका सबसे अच्छा उपयोग जो होता है, वर्षा जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है, सिंचाई, कृषि, पेयजल, पेयजल तो होगा नहीं, सिंचाई में हम कर सकते हैं, भूमिगत जल वृद्धि में करते हैं, तो बिल्कुल डी भूमिगत जल वृद्धि में, ठीक है। अगला प्रश्न, ये तो आप बता ही देंगे, चलो, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है, बताइए। फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो क्यों लोगों को काटती और खून चूसती है, मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अंडे देने के लिए। जी निधि बिल्कुल, इंक्रीज इन अंडरग्राउंड वाटर लेवल, डी मेरे अकॉर्डिंग, हाँ निधि डी आंसर करा, मलेरिया फैलाने के लिए नहीं, उसका कोई इंटेंशन नहीं कि भैया वो आपको बीमार करे, बिल्कुल वो ऐसा नहीं चाहती है, संक्रमण फैलाने के लिए नहीं, वो ये भी नहीं चाहती है, अपने जीवन को बचाने के लिए नहीं, अपने अंडे देने के लिए क्या होती है, इसको जरूरत होती है। याद रखिएगा, जो मादा मच्छर होती है, जो मादा मच्छर होती है केवल वो ही क्या करती है, खून चूसती है, वो क्या करती है, खून चूसती है, जबकि जो नर मच्छर होते हैं, जबकि जो नर मच्छर होते हैं वो केवल फूलों का रस चूसते हैं। तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, नर मच्छर केवल फूलों का रस चूसते हैं, ठीक है, फूलों का रस चूसते हैं, ठीक है, बात यहाँ तक। तो अंडे देने के लिए, सभी ने आंसर ऑलमोस्ट सही दिया है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण होता है, कहाँ पर होता है। मैम क्या ये क्वेश्चन वर्ग 3 के पुराने क्वेश्चन है क्या, जो अभी पेपर हुए हैं आरडी गर्ल, ये अभी वाले मुझे अभी नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ मैंने सर को बोला है, सर 3 4 दिन में अवेलेबल करा देंगे, तो मैं प्रीवियस सर के क्वेश्चन भी आपको कराने वाली हूँ। ये आपकी टीटी है, जो प्रीवियस अदर स्टेट में जो परीक्षा हुई है, जो अन्य पहले हुई है, ये पहले के प्रश्न है, लेकिन लास्ट ईयर के नहीं है ये। हाँ डी डी अस्थि मज्जा बिल्कुल सही, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं आरबीसी, आरबीसी जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स, इसका साइंटिफिक नेम होता है। दूसरी बात याद रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल बहुत बार पूछा गया है आपके बायोलॉजी में चलाया गया, जीवन काल इसका 120 दिन होता है। इनकी अगर संख्या की बात करते हैं हम लोग, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 5 से 6 मिलियन, कितनी होती है,
पांच से छह मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है, प्रति घन घन मतलब क्यूब मिलीमीटर होती है। आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है, जबकि जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है कहाँ पर रहता है, जब भ्रूण में रहता है। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत यानी कि लिवर में होता है। वहीं बात करेंगे हम आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो ये होती है यकृत और प्लीहा में। कहाँ पर होती है, यकृत एवं प्लीहा में क्या होती है, इसकी मृत्यु होती है आरबीसी की। प्लीहा, प्लीहा को हम स्प्लीन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन को ही आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है, क्या कहते हैं, आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी को मापने वाला उपकरण कौन सा होता बेटा, तो ये होता हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, हीमोसाइटोमीटर, इसको मापने वाला उपकरण होता है। मेन काम आरबीसी का क्या होता है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को क्या करता है, परिवहन करता है, हमारी प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा प्रत्येक कोशिका से क्या करना है, CO2 को वापस लाना, ये इसका काम होता है। और कुछ बातें आपको पता होने चाहिए, जैसे आरबीसी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आरबीसी का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन हो गया, आयरन, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, B9, B12, ये सब क्या करते हैं, आरबीसी के निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, सुनामी का कारण है, मैम मेरे पास है उसके फुल PDF, पर बहुत सारे पेज है इसलिए पढ़ने का मन नहीं करता है, अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, पढ़ा भी जाएंगे। मैम जो नंबर है मेरे पास भेज दे, तो मैं एक काम करूँ, तुम अपना नंबर भेज दो, मैं सेव कर लेती हूँ, मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट कर लूँगी, ठीक है। RD गर्ल आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिए, एक काम करिए, तो तुम्हारे पास PDF फॉर्म में है तो तुम मुझे भेज दो, मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट कर लूँगी, ठीक है। चलो बताओ, सुनामी, सुनामी का कारण है एक बहुत गर्म समुद्री धारा है क्या, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, पिघलता हुआ ग्लेशियर है, नहीं, समुद्र तल में भूकंप। सुनिएगा, सुनामी क्या होता है, देखिएगा सुनामी जो होता है, सुनामी, ठीक है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, किस भाषा का है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है उठती हुई लहरें, क्या होता है, इसका अर्थ होता है उठती हुई लहरें, इसका अर्थ होता है। एक्चुअली सुनामी क्या होता है, जो हमारा समुद्र होता है, तो समुद्र के भीतर जब भूकंप आता है, क्या होता है, समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो सुनामी 2004 में कहां पर आई थी, इंडोनेशिया में आई थी, कहां पर आई थी, इंडोनेशिया में, सबसे बड़ी सुनामी 2004 में कहां पर आई थी, इंडोनेशिया में आई थी। और तो ये कुछ बातें, इसके आप याद रख लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। सुनामी होता क्या है, मैंने बताया ना समुद्र के नीचे क्या होता है, जैसे भूकंप होता है, तो भूकंप क्या, जब समुद्र के अंदर आता है उसका जो अधिक केंद्र होता है वो समुद्र के भीतर बनता है, तो वहां पर जैसे कि जिस कारण से क्या होता है, वहां पर उथाल टाइप के आते हैं, सो इसे हम बोलते हैं, या आप कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, समुद्र में जो भूकंप आते हैं उसे हम सुनामी कहते हैं, बस। गलत आंसर करने के बाद सारे ऑप्शन में नजर जाती है, ये बात सच कह रही हो, इट्स ट्रू, ये होता है, ठीक है। तो ये 2004 वाला भी इंपॉर्टेंट है, कहां पर आया था, 2004 में इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, संक्रमण के दौरान डॉट डॉट की संख्या बढ़ जाती, जब इन्फेक्शन होता है तो किसकी संख्या बढ़ जाती है, बायोलॉजी का प्रश्न आ गया, और ये आए हुए हैं आपके, इकट्ठे दिए हैं आपके सिखवाल की किताब के क्वेश्चन है। बड़ी बड़ी लहर आना, बिल्कुल बी, शिवानी बी कर रही हैं आप, मुझे नहीं पता आप लोग इतने गलत क्यों कर रहे हैं यार। निधि आपका जवाब बिल्कुल सही, साक्षी डी बिल्कुल सही है,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जब संक्रमण होता है, इरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या होता है, आरबीसी होता है। क्या होता है आरबीसी? और आरबीसी का काम तो आप सभी लोग जानते हैं, प्लेटलेट्स, जिसे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, रक्त बिंबाणु कहते हैं, ये रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है भाई। ल्यूकोसाइट मतलब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर। डब्ल्यूबीसी असल में, जैसा कि हमें पता होगा आपको, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है। क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है, यानी कि इसको शरीर का सिपाही कहते हैं। शरीर का सिपाही क्यों कहते हैं, लाइक समझिए जैसे हमारा देश होता है, हमारे देश की सीमा पर क्या होते हैं, सिपाही होते हैं, सोल्जर होते हैं। वो क्या करते हैं, देश की सुरक्षा। जब भी कोई हमारे देश की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो हमारे सोल्जर क्या करते हैं, उसे एकदम पिटाई विटाई करके उनकी भगा देते हैं, मतलब देश की रक्षा करते हैं। तो उसी तरह जो डब्ल्यूबीसी होता है, तो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में कोई क्या होता है, नया एंटीजन आता है कोई भी, ठीक है, तो वो क्या करता है, उससे लड़ने के लिए आ जाता है, तो अपनी संख्या को बढ़ा देता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ल्यूकोसाइट रहेगा। इनका जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। और याद रखिएगा, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, अमीबा के आकार का होता है। कैसा होता है, अमीबा के आकार का होता है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार भी होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है आपका, ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरा अग्रैनुलोसाइट्स। यहाँ से एक प्रश्न बहुत पूछता है, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कण कौन सा होता है, तो मोनोसाइट्स। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कण कौन सा होता है, मोनोसाइट, जबकि सबसे छोटा कौन सा होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, बिल्कुल। डेंगू ज्वर जब होता है उसमें ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, और एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रक्ताल्पता में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। पैनक्रियाज डॉट डॉट सॉरी पैनक्रियाज अग्नाशय में होती हैं, बताएं। देखो आप यहाँ पर पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में होती है, केवल बहिस्रावी कोशिकाएं नहीं। बहिस्रावी कोशिकाएं तो किस में होती हैं, केवल बहिस्रावी ग्रंथियों में होती है। किस में होती है, बहिस्रावी ग्रंथियों में होती हैं, ठीक है। केवल अंतःस्रावी, तो अंतःस्रावी कोशिकाएं किस में पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में। किस में पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में। 2 प्रकार की कोशिकाएं, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी कोशिकाएं। केवल 1 प्रकार की कोशिका जो कि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार काम करती है। तो इसका आंसर रहेगा, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं भैया। पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और यही कारण है कि पैनक्रियाज से हॉर्मोन और एंजाइम दोनों का ही सिक्रेशन होता है। ठीक है बात, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको पता है पैनक्रियास से एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। पैनक्रियास में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, और डेल्टा से कौन सी होती है, सोमेटोस्टेटिन होती है। ठीक है, ओके। नाउ, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है, कौन सा है जो जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस कॉलीफॉर्म। तो आपको पता होगा स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस जो होते हैं, ये क्या है, तो आप क्रॉस कर दोगे, निमोनिया के बैक्टीरिया। किसके हैं ये दोनों, किसके हैं, निमोनिया, निमोनिया के बैक्टीरिया होते हैं, निमोनिया के बैक्टीरिया होते हैं। स्टेफाइलोकोकस ये भी एक जीवाणु है जो कि धनात्मक जीवाणु है, ग्राम धनात्मक जीवाणु है। ठीक है, एक ऋण आपने पढ़े होंगे, है ना, ये कॉलीफॉर्म। तो इसका आंसर क्या है, कॉलीफॉर्म सही जवाब है।
तो भाई कॉलीफॉर्म जो जीवाणु होता है वो जल प्रदूषण के सूचक के रूप में क्या करता है, काम करता है। अच्छा प्रश्न याद रखिएगा इसको, और मोस्टली लोगों ने गलत आंसर करा है एज यूजुअल। चले, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा इनमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? निमोनिया का है एक मैम। नो नो, वो थार दोनों ही निमोनिया के हैं। स्ट्रेप्टोकोकस भी होता है आपका, और आपका डिप्लोकोकस निमोनिया भी होता है, दोनों ही उत के होते हैं। अरे कुछ नहीं होता है, एक्चुअली कोकस मतलब क्या होता है, कोकस का मतलब तो गोल होता है ऐसे, इस टाइप से जब ये दो जुड़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं, दो इस टाइप से रहते हैं उसको डिप्लोकोकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब ऐसे क्या होता है, एक लंबे जैसे क्या करते हैं, चेन जैसे बना लेते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो जाते हैं। तुमने शायद पढ़ा हो बैक्टीरिया के जो प्रकार हैं, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, बैक्टीरिया के जो प्रकार या उनकी आकृति के आधार पर तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। मीना का जलवा। अब तो भाई याद तो हो गई ये वाली, तो बिल्कुल, तो इसका सभी रहेगा आपका, मैं बता चुकी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, सभी क्या होती है आपकी, बिल्कुल। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, हमारा वैश्विक तापन, ग्रीन हाउस के कारण वैश्विक तापन बढ़ जाता है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश बनता है, बताएं किससे? कैंसर, आग से पानी गिरना, डीएनए विखंडन, क्या? कॉलीफॉर्म जो जीवाणु होता निधि, वो क्या करता है, उससे पता चलता है अगर वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाता है, तो मतलब ये है कि वो कैसा, वहां पर प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है वहां पर, ठीक है, यही होना चाहिए। जैसे लाइकेन, नहीं पढ़ते लाइकेन के बारे में पढ़ा, लाइकेन वायु प्रदूषण सूचक होते हैं, क्योंकि लाइकेन जो होते हैं, अगर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो लाइकेन सूखने लगते हैं, लाइक वैसे ही होता है आपका, ये जीवाणु होता है। ललिता जी, मुझे भी नहीं पता बेटा, आपने पूरी तैयारी कर ली वर्ग 3 की, बताइए पहले मुझे, आप पढ़ चुके सिलेबस एक बार पूरा? बिल्कुल, ऑल ऑफ द, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश, कैंसर, आंख से पानी गिरना, डीएनए विखंडन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, बताइए? कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ये एक युक्तियां होती हैं, टेक्निक्स होती हैं आपकी, विधियां होती हैं, किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? समझ गई, वेरी गुड। हाँ, दिया आप लोगों ने आंसर। डी लग रहा है, पता नहीं, पता नहीं लग रहा है। वैसे मोस्टली मैंने देखा है जब डी वाला ऑप्शन आता सभी वाला, तो सभी ही निकलता उसका। ये विधियां होती हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है, बताइए क्या, किसको प्रदूषण में रखा गया है? लाइकेन, बिल्कुल, यस, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ जाती है, ये प्रोसेस बताना मैं अगला जो वीडियो लूंगी आप चिंता ना करें, अगला हम थ्योरी ही लेते हैं, ठीक है, कम से कम दो चार तो थ्योरी आपको भी पता चले कि कैसे चल रहा है, कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। अब वैसे मेरे ख्याल से आ जाएगा, अच्छे से पढ़ेंगे आप इजीली समझ लेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी पढ़ोगे तो और भी सही है। फिर भी मैंने हमेशा बोला, पहले मैं एक सिलेबस डिस्कस करती हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ एक दो दिन, फिर अपन चैप्टर पे आते हैं। डी करा है किसी ने, पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, इसको शामिल नहीं किया गया, याद रखेगा, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, ये सही बात है, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, तो इसका आंसर रहेगा बा और सी रहेगा, ठीक है, ई और बा लिखा है, जब किसका रहेगा आंसर, बी और सी रहेगा।
ये पता नहीं ऑप्शन में क्यों लिखा ऐसा। नेक्स्ट, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई, बताएं इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? शेयर भी कर दिया करो तुम लोग लिंक यार, अगर मन करे। मयंक सिंह ने डी करा इसका आंसर, निधि आरडीगल, ऋषि राम सिंह, 12th डी, 6 अगस्त, सी दिया है भाई किसी ने, अब दिया है 6 अगस्त 1945। आपको पता होगा दुनिया में पहली परमाणु दुर्घटना जो हुई थी वो 6 अगस्त 1945 को, कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को। जापान का शहर है, जापान देश का एक शहर है जिसका नाम है हिरोशिमा, हिरोशिमा, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? बम गिराया गया था। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय उस बम का नाम था। तो ये बम गिराया गया था, तो पहली जो दुर्घटना मानी जाती है वो 6 अगस्त 1945 को मानी जाती है, जबकि दूसरा परमाणु बम गिराया गया था वो 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था जापान के ही शहर हिरोशिमा पर। किस पे गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था, माफ कीजिएगा नाकासाकी, मैं हिरोशिमा कर दिया सॉरी, इसका क्या है नाकासाकी, नाका शाकी। इसको मैं याद करने का तुम्हें तरीका भी बता देती हूँ, कभी ऐसा पूछ ले कि बताओ मतलब जो पहला परमाणु बम वो कब कहाँ गिराया गया था, तो 6 अगस्त। दूसरा आप ऐसे याद रख सकते हो, नाका शाकी, ना मतलब 9 से, ना से 9 मतलब 9 अगस्त, ठीक है? तो ये थोड़ा हेल्प करेगा आपको, आज मॉर्निंग पढ़ा था ये, गुड, ठीक है? तो दूसरा भी याद रख लीजिएगा, ये जो नाका शाकी पे जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन, क्या नाम था उसका? फैट मैन। तो दोनों याद रखना, ये लिटिल बॉय था पहले गिरा तो लिटिल बॉय, और बड़ा गिरा मतलब फैट मैन गिरा, ठीक है? नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, बताएं? बिल्कुल, यूरेनियम, बॉम्ब में यूरेनियम था, मुझे डेट पता नहीं थी पर अब याद रखना 6 अगस्त को, क्योंकि डेट पूछी जाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, मॉर्निंग में गिराया गया था 10:10 पर, इसीलिए जब आप देखेंगे नई घड़ी खरीद के आते हैं तो उसका जो पोस्टर होता है, आपका जो कवर होता है, उसमें 10:10 पर वो घड़ी रुकी हुई रहती है, या वो फोटो रहती है उसकी, 10:10 पर गिराया गया था। सो इसलिए आप घड़ी के कांटे आप देखेगा, जब भी आप घड़ी लेके आएंगे तो घड़ी का जो पोस्टर रहेगा वो देखिएगा आप, आपका 10:10 पे क्या रहेगा, वो रुकी हुई रहती है ऐसे, सुई के जो कांटे होते हैं। हाँ तो इसका आंसर दिया है बी दिया है आप लोगों ने। यस, जो कि सही जवाब है 1994। दूसरे में कौन सा क्या था? पत्थर था, पत्थर, पत्थर कहाँ था बेटा, पत्थर थोड़ी ना। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके कारण हुई? भोपाल गैस त्रासदी के बारे में समझ लेते थोड़ा डिटेल में। भोपाल गैस त्रासदी, सुनिएगा, भोपाल गैस त्रासदी जो है वो रात्रि को 10 बजे शुरू हुई थी। एक्चुअली क्या होता है, आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता, पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे, फैक्ट्री थी वहाँ पर, पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे इस फैक्ट्री में। हुआ ये था कि वहाँ पर जो टैंक थे, तो आई थिंक टैंक नंबर 610 था, उसमें क्या हो जाता है, वहां पर वो गैस का लीकेज होने लगता है, गैस का उसमें क्या हो जाता है, लीकेज होने लगता है, और उसको रोकने के चक्कर वो लोग आई थिंक पानी का खोल देते हैं कुछ, तो उसकी बड़ी अच्छी कहानी बताऊंगी आपको, ये तो सभी को पता है सीसी, ठीक है? बिल्कुल, 2-3 दिसंबर 1900
84 को क्या हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और रात्रि में 10 बजे क्या होता है, रात्रि में 10 बज के क्या होता है, लीक हो जाता है गैस का, और इस दौरान निकलती मिक गैस निकलती है। मिक मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी के समय जो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम थे वो थे अर्जुन सिंह। कौन थे? अर्जुन सिंह सीएम थे। जबकि इस समय पर मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल वो कौन थे, तो याद रखिएगा KM चांडी, KM चांडी के राज्यपाल थे। एक और बात याद रखिएगा, इसका जो मुख्य आरोपी थे वो था वॉरेन एंडरसन, भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य आरोपी। मुख्य आरोपी कौन था, तो याद रखिएगा वॉरेन एंडरसन। और एक और बात याद रखिए, कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लो घुमा के कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो कचरा निकला था वो किस देश को भेजा जाना है, तो याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो कचरा उत्पन्न हुआ था उसको जर्मनी को बेचने की योजना बनाई गई थी, या जर्मनी को बेचा जाना था, हालांकि वो अब तक नहीं हम लोग बेच पाए हैं। ये सब बातें आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो सीएम कौन, राज्यपाल कौन, कौन सी गैस, मुख्य आरोपी कौन सा है, और ये जो कचरा है वो किस देश को बेचा जाना है, तो जर्मनी, हालांकि अब तक हम नहीं बेच पाए, अब जो भी रीज़न है वो तो गवर्नमेंट ही जाने। एक बात और है, मैं आपको एक फैक्ट, बहुत अच्छा फैक्ट है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अपने MP का ही है। एक महिला थी जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में बहुत सारा काम किया था, मैंने पढ़ा था किसी करंट अफेयर में पढ़ा था उसको, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, श्वेत फेफड़ा कैंसर, ये इसको देख लीजिएगा, श्वेत फेफड़ा कैंसर क्या होता है, इसमें एक्चुअली जो एस्बेस्टास होता है, कौन सा होता है, एस्बेस्टास, एस्बेस्टास, तो एस्बेस्टास जब क्या होता है, जो लोग फैक्ट्री वगैरह में काम करते रहते हैं, तो एस्बेस्टास जब सांस लेते हैं तो एस्बेस्टास के कण श्वसन के माध्यम से हमारे लंग्स में पहुंच जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो जो हमारे लंग्स का कलर होता हो जाता है वो कैसा, वहां पे वाइट वाइट से जम जाता है, और जिससे हो जाता है आपका श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। तो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ए सही है, एस्बेस्टास के संपर्क में या इसको सांस लेने से क्या होता है, आपका श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। नेक्स्ट, लंदन धूम पाया जाता है, लंदन स्मोक इज फाउंड, बड़ी अच्छी कहानी है इसकी, लंदन स्मोक की भी। गीता लेंगे प्रदीप सर, थोड़ा सा वो बिजी हैं अभी, मे बी शायद आज या कल में लेंगे। बात है 4 दिसंबर 1952 की, बात है 4 दिसंबर 1952, क्या होता है 4 दिसंबर 1952 को लंदन में दिन के समय, लंदन में मॉर्निंग या दिन के समय क्या हो जाता है, एकदम अंधेरा छा जाता है, क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, और लोग जो होते हैं एकदम से लोगों की मृत्यु होने लगती है, और इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक कहते हैं। और रीज़न इसका ये था कि लंदन में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, तो कोयला के जलने से क्या होता था, एक स्मोक बन गया था, धुंध जैसी छा गई थी। तो ये होता है शीतकाल में सुबह के समय, कब होता है, शीतकाल में सुबह के समय, सही जवाब इसका डी। नेक्स्ट, BOD5 क्या है बताएं, BOD5 क्या है, हाँ बिल्कुल, मॉर्निंग शीतकाल में, बिल्कुल आर्टिकल बहुत बढ़िया। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, नहीं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे, नो,
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स। ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। बीओडी का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट, जल समस्या के निराकरण संभव है कैसे? जल समस्या को हम कैसे रोक सकते हैं? जल अपव्यय को रोककर, फालतू में अगर पानी की जरूरत ना हो तो उसको ना बहाए, वेस्ट ना करें, समुचित जल प्रबंधन कर, यस वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल को संरक्षित कर। तो इनमें से सभी क्या इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है बताएं? सुश्री मेधा पाटकर का संबंध किससे है? मेधा पाटकर को आप सभी लोग जानते होंगे, पर्यावरणविद है ये। और मेधा पाटकर जो है इनका जन्म बंबई महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर? बंबई महाराष्ट्र में हुआ था। और 1985 में 1985 में इन्होंने क्या किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक्चुअली जो नर्मदा नदी हमारी है उस पर बांध बन रहा था, आपको पता हो, सरदार सरोवर बांध, तो उसका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। इन लोगों का कहना ये था कि ये बहुत बड़ा बांध है और कभी भविष्य में टूटेगा तो इसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे गांव बह जाएंगे। तो ये इनका एक रीज़न था इसको रोकने का। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आएगा आपका पर्यावरण संरक्षण, सी। नेक्स्ट, पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है? पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है? द रीजन फॉर एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, पर्यावरण चेतना का अभाव होना। बिल्कुल सही बात है, आप पर्यावरण के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं, आपको कॉन्शियस ही नहीं आप उसके बारे में। भौतिकवादी सोच कि भाई ठीक है, हमें तो क्या करना, बढ़िया हमें तो लग्जरी कार में घूमना है, भाड़ में जाए, पेड़ वेड़ कटे तो कट जाए, हमको तो एसी का इस्तेमाल करना है। भोगवादी प्रवृत्ति, हमको तो एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना, हमको तो मर्सिडीज में घूमना है, भाड़ में जाए, एनवायरमेंट हमको क्या मतलब। ये सोच अगर आपकी है तो बिल्कुल पर्यावरण असंतुलन का आज यही कारण बना है, क्योंकि सबको अब मुझे नहीं समझ में आता, अपन जो रहते हैं एमपी में इतनी गर्मी नहीं होती है, ठीक है, खास करके मालवा वाला क्षेत्र, फिर भी लोगों ने घरों में क्या कर रखी, एसी लगा रखी, जरूरत नहीं एसी का फिर भी एसी चला रहे हैं। ये भौतिकवादी सोच है, ठीक है, और भोगवादी प्रवृत्ति है, तो ये क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए फिर आज के लिए हम क्लास को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कि आपका चैप्टर ही पढ़ाऊँ, मैं पहले एक दो चैप्टर भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें अगर अच्छा लगा है, और नहीं लगा तो मैं कोई जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकती, ना मैं करना चाहती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। कल तो नहीं मिलेंगे, कल संडे है, आई थिंक मंडे को क्लास रहेगी। तो जय हिंद फिर सभी लोगों को, मिलते हैं रात्रि में अभी 8 बजे। आपको पता होगा कि रात्रि 8 बजे जो है मेरी क्लास रहेगी महिला सुपरवाइज़र की, तो अटेंड करें, ठीक है, जो भी अटेंड करना चाहते। 4 मिनट बचे आर डी गर्ल, बिल्कुल ये काउंट करके रखती है मेरा टाइम, मुझे लगता है ये लड़की। हाँ चलो बाय बाय।